सभी भक्तजनों को राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल भक्ति गुरु ज्ञान पर स्वागत है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ नया दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आज हम जानेंगे महाराज जी के परिवार के बारे में। महाराज जी के परिवार में कौन कौन है और महाराज जी का घर कहाँ है और महाराज जी कहाँ रहते हैं और महाराज जी के साथ कौन कौन रहता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराज जी यहाँ पर वृद्ध माताओं के साथ ही रहते हैं। वृद्ध माताओं के कमरों के साथ ही महाराज जी के कमरे बने हुए हैं। वहाँ पर महाराज जी की माँ और महाराज जी के दोनों पुत्र और गुरु माँ रहते हैं। महाराज जी का बड़ा भाई है, वो गांव में रहता है। महाराज जी के एक बहन है और एक भाई है। महाराज जी के दो बहन थी, एक बहन महाराज जी की गुजर चुकी है। तो महाराज जी अपने माता पिता के साथ वृंदावन में रहते हैं। महाराज जी के पिता का नाम है राम नरेश तिवारी और महाराज जी के पिता श्री वृंदावन में ही कथा करते हैं। महाराज जी ने यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में कई प्रकार की सेवाएं चला रखी है, जैसे संत सेवा, अन्न क्षेत्र सेवा और गौरी गोपाल रसोई और गायों की सेवा और गुरुकुल में निःशुल्क बच्चे पढ़ाते हैं। इन सभी सेवाओं का हमने अच्छे से दर्शन किया है और धन्य है महाराज जी जो इतना सब कुछ संभाल रहे हैं। हमने तो खूब दर्शन किया है और खूब अच्छे से देखा है। महाराज जी सभी वृद्ध माताओं की अच्छी तरह सेवा करते हैं और अपनी माँ की तरह ही महाराज जी सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं ऊपर की मंजिल में, वहाँ ही महाराज जी और उनका परिवार रहते हैं। महाराज जी के साथ उनकी माँ और गुरु माँ और दोनों पुत्र और पिताश्री रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।